हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल SS नंबर प्रोडक्शन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि अपने मोबाइल से ट्रेन टिकट कैसे बुक करें। तो ट्रेन टिकट बुक करने के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद अपन को यहाँ पर कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है, IRCTC ओपन करने के बाद इसको अपन को इंस्टॉल करना है। चलिए, हमारा इस पहले से इंस्टॉल है तो अपन इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद इसमें एक आईडी क्रिएट करना है, उसका वीडियो हम बना देंगे। तो अपना आईडी क्रिएट करते हैं, इसमें लॉगिन पर क्लिक करना है। हमारा इस पहले से आईडी बना है तो हम अपना डालते हैं। पिन डालने के बाद इधर अपन लॉग इन पर क्लिक कर देते हैं। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से आइकन शो होगा। इस तरह से आइकन शो होगा, अपनी आईडी लॉग इन हो जाएगी। अब आपको प्लान माई जॉइनरी पर क्लिक करना है। अपन कहाँ से कहाँ जाना है, जैसे झांसी से अपन सतना के लिए देखते हैं ट्रेन खाली है या नहीं, तो किस तारीख पर देखना है, नौ में देखते हैं। तो इधर से कोई ट्रेन चल नहीं रही तो अपन यहाँ पर निजामुद्दीन के लिए देखते हैं, झांसी से निजामुद्दीन के लिए देखते हैं। जो भी अपन को करना है, सेकंड स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, अपन को जिसमें जितना चाहिए। अब फर्स्ट एसी करेंगे तो और उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चार्ज लगेगा, फिर उससे थोड़ा कम सेकंड में स्लीपर अपन करते हैं। तो स्लीपर करने के लिए 27 सीटें अवेलेबल हैं, उनको 27-15 तारीख की करते हैं। उसके बाद बुक नाउ पर क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद जिसके नाम सेलेक्ट करने हैं तो या एड पैसेंजर पर एड न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसका नाम सर्च करेंगे जिसके नाम से टिकट बुक करनी है। तो वहाँ पर जैसे राम सिंह यहाँ पर एज डाल लेंगे, जितना 25। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे मेल। यहाँ पर अपने बर्थ सेलेक्ट करना है, किस सीट चाहिए, लोअर मिडिल अपर साइड अपर साइड लोअर, इसमें भी हम लोअर सेलेक्ट कर लेते हैं। नेशनलिटी इंडियन। उसके बाद ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर और भी अपन एक से चार हैं, जैसे पैसेंजर और भी साथ में हैं, तो उसको और ऐड न्यू पर क्लिक करके उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपन कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बुक ओनली कन्फर्म पर आर अलाउ। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। अपन को पेमेंट किसके जरिए काटना है, पेटीएम के जरिए, किसके जरिए, UPI भीम के जरिए। जिसकी अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, पे थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड, इस पर ही क्लेम करेंगे। डेबिट कार्ड से कर लेते हैं, रिव्यू पर इस पर क्लिक करेंगे तो एक रिव्यू एक होगा। अपन डिटेल्स पढ़ लेंगे, एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर
प्रोसेस टू पेपर क्लिक करने पर यहाँ पर यस कर देंगे। पेमेंट ये करना चाहते हैं ICICI एयरटेल पेमेंट बैंक, ये आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। मल्टीपिक्स डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, जिससे भी करना चाहते हैं तो अपन उसको सिलेक्ट कर लेंगे। रुपये जिससे भी मूवी के किसके जरिए करना चाहते हैं, उसके बाद आपको सब पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस टू पेपर क्लिक, पेपर क्लिक करने के बाद कुछ अपना डेबिट कार्ड डाल देंगे। फोन पे वॉलेट डेबिट कार्ड से करेंगे तो यहाँ पर डेबिट कार्ड अपना नई पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट सबसे हो जाएगा, आपको ट्रेन टिकट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बहुत ऐसा वीडियो चाहिए। जैसे ही अपनी ट्रेन टिकट बुक हो जाएगी तो अपने सामने इस तरह से हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं बुक स्टेटस कैसा है, गाड़ी का नाम आ जाएगा और स्टेटस भी आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।